आज मैं आपके सामने मोहम्मद हसन का ड्रामा ज़हाक से मुतालिक कुछ अहम नक़ात उसका मुफस्सल ख़ुलासा लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। और मुझे जहाँ तक मैंने सर्च किया हुआ है तो मैंने जो ख़ुलासा किया है इतना मुफस्सल ख़ुलासा मुझे जहाँ तक मालूम है यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। तो मैं वक्त को ज़ाया ना करते हुए इस सिलसिले को शुरू करता हूँ कि मोहम्मद हसन जो इस ज़हाक के मुसन्निफ़ हैं 20 अगस्त 1926 को मुरादाबाद में पैदा हुए हैं। 24 अप्रैल 2010 को दिल्ली में वफ़ात हुई और इनके वालिद का नाम अल्ताफ़ हुसैन था। मोहम्मद हसन ने मसूद हसन रिजवी की निगरानी में लखनऊ की अदबी लिसानी खिदमात के मौजू पर पीएचडी की डिग्री 1952 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से हासिल की। अहम ये सवाल है कि किसकी निगरानी में की है? मसूद हसन रिजवी की निगरानी में। मौजू क्या था? लखनऊ की अदबी लिसानी खिदमात 1952 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से। 1954 में शोबाए उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हुए और अलीगढ़ के क़याम के दौरान थिएटर ग्रुप नाम से एक अंजुमन भी कायम की। 1963 में शोबाए उर्दू कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुए। फिर 1971 में JNU यानी जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और सदर शोबा हुए और यहीं से वो रिटायर भी हुए हैं। 1970 में मोहम्मद हसन ने असरी अदब के नाम से एक रिसाला निकाला था। 1939 में अफसाना निगारी और ड्रामा निगारी का आगाज़ इन्होंने कर दिया था। मोहम्मद हसन के बकौल अदब को आज तीसरी आवाज़ की ज़रूरत है और ये आवाज़ एहतजाज की होगी। मोहम्मद हसन को ड्रामा कोहरे का चाँद पर आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। कोहरे के चाँद के मुतालिक आगे अब बात आएगी। ये कोहरे का चाँद जो है ये गालिब की ज़िंदगी पर एक मबनी एक तवील ड्रामा है। इसी तरह से ड्रामा पैसा और परछाई पर ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली का पहला इनाम मिला। यह इनका पहला ड्रामे का मजमुआ है पैसा और परछाई। रेडियाई इनका ड्रामा है जो कि जिसमें इनको ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से न्यू दिल्ली पहला इनाम मिला। मोहम्मद हसन ने JNU की फेलोशिप के तहत 19वीं सदी में शुमाली हिंद के अदब के फ़िक्री असालीब के मौजू पर भी काम किया था। प्रोफेसर मोहम्मद हसन को मार्क्सी नक़ाद और उर्दू तनक़ीद में एहतशाम हुसैन का जानशीन कहा जाता है। ये सवाल भी बन सकता है कि प्रोफेसर मोहम्मद हसन को किसका जानशीन कहा जाता है? एहतशाम हसन का जानशीन कहा जाता है। फ़न बराए ख़ुद की इस्तलाह मोहम्मद हसन की इख्तिरा है, यानी इनका इजाद करता है फ़न बराए ख़ुद। मोहम्मद हसन के बकौल आर्ट का पहला काम जमालियाती एहसास है। एक बहुत बड़ी ये नक़्क़ाद भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं, बहुत सारी तख्लीक भी इन्होंने की है। तो एक तनक़ीद निगार से मुतालिक इनका एक कौल समझिए कि मोहम्मद हसन के बकौल आर्ट का पहला काम जमालियाती एहसास की तस्कीन है। ज़हाक ड्रामा के लिए 1987 में हैदराबाद साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। 1987 में इनको ज़हाक जो इनका ड्रामा है जो हमारे निसाब में शामिल है इस पर साहित्य अकादमी अवार्ड हैदराबाद से नवाजा गया है। इनके ड्रामों के मजमू हम देख लेते हैं। पहला ड्रामों का मजमू है जो कि ये रेडियाई ड्रामे हैं पैसा और परछाई। इसमें 9 ड्रामे शामिल थे और इनका पहला ड्रामों का मजमुआ कब शाया हुआ है? 1955 में, 1955 में। और इनका जो दूसरा ड्रामा है मेरे स्टेज ड्रामे, इसमें 6 ड्रामे शामिल थे और इनका ये वो मजमुआ जो स्टेज पर ड्रामा है वो जो स्टेज पर खेला गया। इसके अलावा कोहरे का चाँद इनका ड्रामा जिस पर इनको आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी अवार्ड मिला जो कि गालिब की ज़िंदगी पर मबनी है 1969 में। इसी तरह से तमाशा और तमाशाई भी इनका ड्रामा है जो कि गालिब की ज़िंदगी पर ही है 1975 में। मोर पंखी और दूसरे ड्रामे ज़हाक जो एक तवील ड्रामा है 1980 में लिखा गया, 1980 में शाया हुआ है। उमर ख़य्याम खून के धब्बे, इससे मुतालिक सवाल आया था कि खून के धब्बे किसका ड्रामा है? तो खून के धब्बे ये ड्रामा मोहम्मद हसन का है जो कि 2011 में शाया हुआ जिसमें 8 ड्रामे हैं। कुछ मशहूर ड्रामे हम मोहम्मद हसन के देख लेते हैं क्योंकि ड्रामा देकर पूछ लेता है कि ये किसका ड्रामा है। ज़हाक, मोर पंखी, कोहरे का चाँद, पैसा और परछाई, सोने की जंजीरें, नक्श फरियादी। नक्श फरियादी से मुतालिक भी मैं बता दूं कि ये भी गालिब की ज़िंदगी पर उनका तीसरा ड्रामा है। नज़ीर अकबर आबादी, इदारा शिको, गोशा आफियत, सच का जहर वगैरह। अब जहाक से मुताल्लिक़ कुछ बातें आ रही हैं कि जहाक जो है इमरजेंसी के तनाजुर में लिखा गया ड्रामा है। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी हिंदुस्तान में, तो उसके तनाजुर में ये ड्रामा लिखा गया है। जहाक का प्लाट शाहनामा फिरदौसी से अर्ज़ किया गया है। यह भी एक अहम सवाल है कि इसका प्लाट किससे अर्ज़ किया गया है, तो एक फ़ारसी तसनीफ़ है शाहनामा फिरदौसी से अर्ज़ किया गया है। जहाक ड्रामा इश्तराकी नज़रिए का हामिल है। जहाक ड्रामा पहली बार 1977 में रिसाला असरी अदब में शाये हुआ। असरी अदब को 1970 में मोहम्मद हसन ने ही शाये किया था, उनके ही रिसाले में ये पहली मरतबा 1977 में ये शाये हुआ है। 1980 में ये पहली बार किताबी सूरत में शाये हुआ। और जहाक ड्रामा शाये होने से कुछ पहले ही विजय शंकर चौधरी ने श्रीराम सेंटर के स्टेज पर पेश किया था। तो किसने पेश किया था? विजय शंकर चौधरी ने। किस स्टेज पर? श्रीराम सेंटर के स्टेज पर। जहाक ड्रामा को उसके शाये होने से पहले ही पेश कर दिया गया था। जहाक ड्रामा को ज्ञान चंद जैन ने सियासी तमसील करार दिया है। ये भी सवाल हो सकता है कि इस ड्रामे को किसने सियासी तमसील करार दिया। जहाक ड्रामे को ज्ञान चंद जैन ने सियासी तमसील करार दिया है। जहाक 6 मनाजिर पर मुश्तमिल एक नीम तारीख़ी ड्रामा है, यानी इसमें कितने सीन हैं? 6 सीन हैं और ये एक नीम तारीख़ी ड्रामा है। इसके किरदार देख लेते हैं। जहाक जो कि एक बादशाह है, नौशाबा जहाक की शरीक हयात है और एक किसान की बेटी, और उसका असल नाम फ़ातिमा है। असल में यहाँ पे कुछ काट पीट आपको दिख रही होगी। असल में मैंने रिसर्च काफ़ी किया तो कहीं पे कुछ था, कभी कुछ था, तो असल फिर मतन मैंने देखी और मतन के हिसाब से फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि जहाक नौशाबा जो है जहाक की शरीक हयात है और वह एक किसान की बेटी है और उसका असल नाम फ़ातिमा है, जिसको लोगों ने अगवा कर लिया था। फ़रीदू एक मज़दूर है, किसान मज़दूर, और उसके वालिद का नाम कावा है। सूबे सिस्तान से ये ताल्लुक़ रखता है। कुछ और अहम बात हम देख लेते हैं कि मोहम्मद हसन ने मजाज़ लखनवी के ज़िंदगी पर मबनी नावल गमे दिल वहशत दिल लिखा है। यानी ये गमे दिल वहशत दिल किसका नावल है? मोहम्मद हसन का। और ये किसकी ज़िंदगी पर मबनी है? मजाज़ लखनवी के। उनका शेरी मजमुआ है जंजीर नगमा। ये मोहम्मद हसन का शेरी मजमुआ भी है जंजीर नगमा, जो कि इनके नसरी मंजूम है। मोहम्मद हसन ने सबसे पहली मुलाजमत लखनऊ से शाये होने वाले अखबार पायनिर में की है। तो इनका जो सबसे पहली मुलाजमत कहाँ है? लखनऊ से शाये होने वाले अखबार पायनिर में की है। और जहाक के शुरू अख्तरुल इमान जो जहाक ड्रामा है, इसमें जो शुरू में अशार दिए गए हैं वो किसके अशार हैं? अख्तरुल ईमान। यानी कि जब आप जहाक ड्रामा का मतन खोलेंगे तो शुरू में कुछ अशार दिए हुए हैं, तो वो अशार अख्तरुल ईमान के अशार हैं। मोहम्मद हसन का पहला फ़ीचर, इन्होंने फ़ीचर ड्रामे के लिए भी काम किया, तो पहला फ़ीचर जो इनका है ये है लखनऊ। इनका पहला फ़ीचर है कोहरे का चाँद, तमाशा और तमाशाई और नक्शे फरियादी। इन तीनों ड्रामे में मोहम्मद हसन ने गालिब की शख्सियत को मौजू बनाया है। जैसे पहले भी बात आ चुकी है कि इन्होंने 3 ड्रामे में गालिब की शख्सियत को मौजू बनाया है, कोहरे का चाँद, तमाशा और तमाशाई, नक्शे फरियादी। ड्रामा जहाक का इंतसाब दुनिया के दबी कुचली अवाम के नाम किया है। यानी इस ड्रामे का जो इंतसाब किसकी तरफ है? दुनिया के दबे कुचले अवाम की तरफ। अब इसका ख़ुलासा मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इस ड्रामे का जो मरकज़ी किरदार है वो एक बादशाह है जहाक, जो कि ईरान का बादशाह है, बहुत ही जालिम बादशाह है, जिसके नाम पर इस ड्रामे का नाम रखा गया है। ये एक ईरान का बादशाह है जिसने शहनशाह जमशेद का तख्ता पलट करके बादशाहत हासिल की है और जमशेद को आरे से इसने चिरवा दिया है, आरे से इसको कटवा दिया है बीचों बीच से। और इसमें उसने एक शैतान से मदद ली है, शैतान की मदद से उसने जमशेद का तख्ता पलट किया है और बादशाह बना है। और जब शैतान ने क्या किया कि उसके कांधे पर बोसा ले लिया, जहाक के कांधे पर बोसा ले लिया है, जिसकी वजह से जहाक के कांधे के ऊपर 2 सांप उग गए हैं और वो दोनों सांप जहाक के कांधों पर हमेशा डसते रहते हैं और वो हमेशा तकलीफ़ में रहता है, बहुत तकलीफ़ में रहता है। हमेशा उसके कांधों पे वो सांप डसते रहते हैं और उसका कांधा लहू लहान होता रहता है। तो जिसकी वजह से ये अपने दरबारियों पर हमेशा भड़कता है, डांटता है उनको। कोई जो नाचने वाली हैं उनकी रक़्स से खुश नहीं होता, शायर उसके शेर से खुश नहीं होता, सबके ऊपर ये भड़कता रहता है। और इतने ज़्यादा वो तकलीफ़ में रहता है कि इस बात का ऐलान करा देता है कि कोई इसकी तकलीफ़ का इलाज बताए। वरना वो सबको कत्ल कर देगा। अपने पूरे इलाके में ये ऐलान करा दिया गया कि इसकी तकलीफ़ का कोई इलाज बताए वरना सबको कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी तकलीफ़ का इलाज किसी के पास नहीं होता। सारे फ़कीर, जो नेक लोग हैं, जो हकीम हैं, जो जादू और सारी चीज़ें जानते हैं, वो सारे लोग हार गए हैं। उसका जवाब किसी का इस पास इसका इलाज नहीं है। लिहाजा एक दिन क्या है कि एक शैतान एक बूढ़े की शक्ल में इसके दरबार में आता है, बिल्कुल परागंदा हालत में, गंदे कपड़े, मैले कपड़े, चेहरों पे नाखून की खराश लगी हुई है, बड़े बड़े नाखून, उलझे हुए बाल, लंबी लंबी मूछें। और इसके दरबार में जब ये आता है तो लोग इसको भगाने लगते हैं, लेकिन खैर वो कहता है कि मुझे इसका इलाज मालूम है। तो जहाक उसको रोकता है, तो वो कहता है कि देखो मेरे पास तुम्हारा इलाज तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारी तकलीफ़ मैं कम करने का तरीक़ा बता दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। और वो शर्त ये है कि तुम मुझसे अपनी रूह का सौदा कर लो। हालांकि क्योंकि ये शैतान है और एक बूढ़े की शक्ल में है, तो जहाक इतनी तकलीफ़ में होता है कि वो इस सौदे को कबूल कर लेता है कि ठीक है, मैं अपने रूह का तुमसे सौदा करता हूँ, तुम मेरी तकलीफ़ को कम कर दो। तो वह शैतान बताता है कि इस सांप को इंसानों का भेजा खाने के लिए दो तो ये तुम्हें नहीं डसेगा। यानी रोज़ इसको इंसान का भेजा खाने के लिए तुम अगर पेश कर दोगे तो ये फिर तुमको नहीं डसेगा। और ये भी बताता है कि तुम्हारा ख़ात्मा जो है, यानी जहाक का ख़ात्मा, एक सूबे सिस्तान का एक लोहार का एक बेटा है, किसान, एक मज़दूर है, वो तुम्हारा ख़ात्मा कर देगा, तुम्हें नेस्तम नाबूद कर देगा, तुम्हें हलाकतों बर्बाद कर देगा। खैर ये सारी बातें वो बताता है। लेकिन अब क्या है कि अब दोनों सांपों को दिन में 2 बार इंसानों को भेजा खाने को अब दिया जाना शुरू हो जाता है कि अब इसके लिए रोज़ तो इंसान पकड़ के लाए जाते हैं, 2-2 भेजे सुबह शाम इसको भेजे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अब ये सांप इसको नहीं डसता है। अब इसलिए इस ड्रामे को इंसानों के भेजे पर ज़िंदा रहने वाले शहंशाह की कहानी कहा गया है। आपने इसको पढ़ा होगा कि ये इंसानों के ये जो ड्रामा है इंसानों के भेजे पर ज़िंदा रहने वाले शहंशाह की कहानी है। अब इसके दरबार में जो वज़ीर आज़म हैं, शायर हैं, उस्ताद हैं, जज हैं, राहिब हैं, फ़ौजी अफसर हैं, रक्कासा हैं, ये तमाम किरदार जो हैं इसके बड़े वफ़ादार हैं। और ये तमाम लोग जो हैं लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, भड़काते हैं, उनका जहन जो है तब्दील करने की कोशिश करते हैं कि ताकि लोग खुशी खुशी अपनी जान दे दें और उनका भेजा जो है इस जहाक के सामने, जो सांप है उनके सामने रख दिया जाए ताकि जहाक जो है तकलीफ़ से दूर रहे। तो लोगों के बहलाने फुसलाने में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान देनी शुरू भी कर दी। अब लोग अपनी जान देना शुरू कर देते हैं और इसके लिए एक सांप का इंतज़ाम होता रहता है। और ये जो जहाक है इसकी मलका है नौशाबा, जो कि इसकी बीवी है नौशाबा, और जो कि इसको बचपन में, इसका असल नाम जो है फ़ातिमा है, जिसको बचपन में उठा लिया गया था, इसको किडनैप कर लिया गया था, एक किसान मज़दूर की बेटी थी। इसी तरह से अब सारे जो हैं भेजे इसके सामने लाए जा रहे हैं, इंसानों को बहला फुसला कर लाया जा रहा है और इनके सामने जो है उसके भेजों को रखा जा रहा है और सांप खा रहा है। एक दिन क्या होता है कि सिस्तान के 10 लोगों को पकड़ कर लाया जाता है, सिस्तान के 10 लोगों को पकड़ कर लाया जाता है। उनकी आँखों में पट्टियाँ बंधी हुई हैं, होठ सिले हुए हैं और सब जान देने के लिए तैयार हैं कि हम अपने रियाया के लिए, अपने बादशाह के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। और इन 10 लोगों में 6वां जो है वो फरीदू हैं, जो कि जान देने को तैयार नहीं है। वो मना कर देता है कि नहीं मैं जान नहीं दूंगा। तो इसको, ये बात को लोग गुस्ताखी समझते हैं और उसको मौत की सज़ा दी जाती है। लेकिन जो ही तलवार उसके ऊपर जल्लाद रखता है तो नौशाबा, जो कि इसकी बीवी है जहाक की, वो इसे बचा लेती है कि नहीं अभी इसको रह दो, मैं इसको इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, मैं इसको इल्म दूंगी, इसको समझाऊंगी, ये ख़ुद से अपने लिए जान देने के लिए तैयार करूंगी। खैर ये सारी बातें वो कहती है, उसको बचा लेती है। फिर उससे क्या है, ये अपने जिस्म की आग बुझाने की कोशिश करती है, उसके होठों पे बोसा लेना चाहती है, लेकिन फरीदू उसे ऐसा नहीं करने देता। फिर क्या होता है कि इसी तरह से फरीदू जो है उसके चंगुल से फ़रार हो जाता है, वहाँ से भाग जाता है। और फरीदू पूरे इलाके में जहाक के कांधों पर सांप से मुताल्लिक़ और 2 इंसानों के भेजे के मुताल्लिक़ पूरी ख़बर जो है पूरे इलाके में फैला देता है। और बिलाखिर होता क्या है कि फरीदू और पूरी राया जो है जहाक के का घेराव कर लेती है और फरीदू जहाक को तलवार से मारने ही जाता है कि वही बूढ़ा बीच में आ जाता है, यानी वो जो शैतान की शक्ल में जो बूढ़ा आया था वही बूढ़ा फिर से बीच में आ जाता है और कहता है कि नहीं, तुम इसको नहीं मार सकते क्योंकि इसकी रूह का सौदा मैंने कर लिया है, इसकी रूह मेरी है। तो फरीदू कहता है ठीक है, इसका जिस्म फिर किसका है, इसका जिस्म मेरे हवाले कर दो। तो वो कहता है नहीं, इसका जिस्म जो है ये इन दोनों सांपों का है। तो फिर भी फरीदू जो है उसके ऊपर तलवार चलाता है, लेकिन वो जो जहाक है वहाँ से गायब हो जाता है, लोगों की आंखों से ओझल हो जाता है। वो बूढ़ा कहता है कि तुम जहाक को कभी नहीं मार सकते, हमेशा तुम्हारे भेजों पर यह जहाक ज़िंदा रहेगा। तो फरीदू भी कहता है कि जब कोई जहाक खड़े होगा तो कोई ना कोई फरीदू भी इस जहाक का खात्मा करने के लिए खड़ा होगा। तो फिर यहीं पर यह ड्रामा मुकम्मल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये इसका मुफस्सल मैंने ख़ुलासा आप लोगों के सामने रख दिया है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये ड्रामा जहाक से मुताल्लिक़ कुछ अहम नक़ात, उसका ख़ुलासा मैंने आप लोगों के सामने रखा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर भी करें। जल्दी हम जो अगली यूनिट है उसके मुताल्लिक़ भी वीडियो अपलोड करेंगे।